तहलीले सुबह तर भी सही ये सन्नाटा, तहलीले सुबह तर भी सही ये सन्नाटा, मगर पहाड़ सी ये रात कट चुके तो कहूं, पसे नकाब ही पिन्हा सही उरुसे सहर, मगर ये पर्दाए जुल्मात हट चुके तो कहूं, ये रात भी तो हकीकत है तलखो तुंदो तुरुष्ट, इसे सहर का तसव्वुर मिटा नहीं सकता, मुझे तो नींद नहीं आएगी कि मेरा शऊर शबे स्याह से आंखें चुरा नहीं सकता, और अगर निशाने सफर तक कहीं नहीं न सही, मैं रींग रींग कर ये शब नहीं गुजारूंगा, शिकस्त से मेरा अखलाक अजनबी है नदीम, सहर मिले न मिले रात से न हारूंगा, सहर मिले न मिले रात से न हारूंगा। नहमदहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सर, मोहतरम उस्ताद इकराम और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज जिस्म के अंदर दौड़ने वाले लहू की गर्दिश की सदा बनकर वक्त के ईवानों में खड़ा हूं। मेरे तसव्वुरात को अगर अल्फाज की कयूद का जामा पहना दिया जाए तो आज का मौजू है उम्मीदें सहर की बात सुनो। जीवाकार दास्ताने मुरतब होती हैं, महव हो जाती हैं, शख्सियतें पैदा होती हैं, मर जाती हैं, बस्तियां आबाद होती हैं, उजड़ जाती हैं, तहजीबें निखरती हैं, महव हो जाती हैं, जनाबे वाला कौमें बनती हैं, मिट जाती हैं, मगर एक दास्ताने जुल्मते शब है जो न मरती है न मिटती है न कटती है न महव होती है, ये जब रकम होती है तो होती ही चली जाती है, कभी आलीशान महलात में रकम होती है तो कभी गरीबों के झोंपड़े में, कभी ये थर के रेगिस्तानों में मौत का रक्स करती है तो कभी तहजीब के कैवाखानों में रक्स रिलीज करती नजर आती है। यही दास्ताने जुल्मते शब है जो कहलीलियों को मौत के घाट उतार देती है, सकरात को जहर का प्याला पिला देती है, मंसूर को सूली पे लटका देती है, और इमाम हुसैन के सर को, जी हां जीवाकार, इमाम हुसैन के सर को नेजे पे चढ़ा देती है। ये कुरैश पर ऐसी कयामत बपा करती है कि इंसानियत पुकार उठती है, कहां है अर्जो समा का खालिक के चाहतों की रगे को लेते, हवस की सुर्फी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है, कोई मसीहा इधर भी देखे कोई तो चारा गली को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तह है, जमीन जनाजा बनी हुई है, जमीन जनाजा बनी हुई है। जीवाकार मगर उम्मीदें सहर कायम रहती है। मैंने जुल्मते शब की रेशा दुरानियों से घबरा कर जब आसमान की तरफ देखा तो अनगिनत सितारे रात की तारीकी का मुंह चढ़ा रहे थे, मैंने देखा कि बेशुमार चराग अपना सर जलाकर गधा टोप अंधेरों को शिकस्त देते हुए उम्मीदें सहर रोशन कर रहे थे, तो मैंने लम्हा लम्हा पिघलते और अपनी आग पे जलते मोम के पुतले से पूछा कि ये रोशनी सी कैसी है, ये मौजज़ा क्या है, ये रास्ता क्यों पर है, इस रात में कैसे चला जाता है और इस रात पे कौन चल सकता है, तो मुस्कुराते हुए बोला कि इधर बुलाओ पे जो मुस्कुरा सके वो आए, इधर बुलाओ पे जो मुस्कुरा सके वो आए, जो ताजो तख्त को ठोकर लगा सके वो आए, जो खुद से नजरें लड़ा सके वो आए, जो आसमां को नीचा दिखा सके वो आए, रिदाए सर का नहीं जो कफन का शहदा हो, इधर वो आए जो दारो रसन का शहदा हो, इधर वो आए जो दारो रसन का शहदा हो। तो जीवाकार जुल्मते शब से लड़ने के लिए और उम्मीदें सहर रोशन करने के लिए मैंने अपने सर पे कफन बांधा और खुद ही वो शमा बन गया जो हर रंग में जलती है सहर होने तक, कि अंधेरा मांगने आया था हमसे रोशनी की भीख, अंधेरा मांगने आया था हमसे रोशनी की भीख,
जीवाकार इस अजीम मकसद के लिए जब मैंने इंसानियत को पुकारा तो बेशुमार मेरे जैसे सर पे कफन बांधे मेरे साथ चल पड़े, फिर मैं नहीं रहा, हम हो गए, हम इब्राहिम बने और नारे नबरूद में कूद गए, हम मूसा बने और फिरौन से लड़ गए, हम ईसा बने और सूली पे चढ़ गए, कैसर और कसरा को हमने खाक में मिला दिया, जनाबे वाला काबा के 307 गुट्टों को पाश पाश कर दिया, कभी हमने यूरोप के कलीसाओं में अजाने दी तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में नारा तकबीर बुलंद किया। मैं अपनी तकबीर का इस्तेमाल काम इन अल्फाज से करूंगा कि अजीज साथियों आज जरूरत समय की है कि हम अपना आप पहचाने और गर्दशील दौरान की तंदुरुस्त लहरों का मुकाबला जवाबदी से करें। हम कश्मीर और फलस्तीन की बात तभी कर सकेंगे जब हमारे पास एक मुस्तहकम और खुद मुख्तार पाकिस्तान होगा। शुक्रिया। औरों का है बयान वो